दोस्तों, जिस जो स्क्रीन पर आपने मॉडल देखा है, आज हम उसी मॉडल पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक ऐसा मॉडल है जो चार भाइयों के लिए बना है। अगर आप घर में चार भाई हैं और आप चाहते हैं कि घर को बिना तोड़े फोड़े प्रॉपर तरीके से बंटवारा हो, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉडल बनकर रेडी हुआ है और इसका साइज़ है जो 32x60 32x60 फुट में बना है। इनके पास दो दोस्तों गाड़ियां भी हैं और उन गाड़ियों को भी ये पार्क करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पर देख सकते हैं एक बारंदे को यहाँ पर दिया है। तो इस बारंदे में आसानी से आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। एक गाड़ी आपकी इधर से पार्क होगी और एक इधर से होगी। बीच में ही मैंने स्टेयर्स दी हैं जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने बारंदे पर चढ़ सके। और इसके बाद जो एक बारंदे का एक और पोर्शन है, यहाँ से आपकी स्टेयर्स हैं, हालांकि यहाँ बाइक वगैरह पार्क होगी, इधर फोर व्हीलर आपकी पार्क नहीं हो पाएगी। तो अब इसी मॉडल का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, केवल दोस्तों फ्रंट से ही ओपन है, बाद बाकी क्लोज्ड है। थ्री साइड आप देख सकते हैं, इधर से आपको क्लोज मकान दिखेगा चारों तरफ से। ये टॉप व्यू, ऊपर का भी आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ, पहले देखिएगा टॉप से साइड से। ये पूरा बेहतरीन सा मॉडल जो कि आपका चार भाइयों के लिए घर का नक्शा बेहतरीन होने वाला है। पूरा अभी हम लाइव करके दिखाएंगे इसमें आपको क्या क्या मैंने बना कर दिया है। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं वन झाखड़, और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो सबसे पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। मैक्सिमम जूम मैं आपको करूँगा तब आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर कट दिखेंगी, प्रॉपर तरीके दिखे। ग्रिल वगैरह का डिज़ाइन और जो आपका भीम का डिज़ाइन है वो भी मैं दिखाऊं। जो बारंदे का डिज़ाइन है वो आपका एक तो यू शेप में है और दूसरा भी यू में है, बट उसमें जिग जैग मोशन में थोड़ी सी डिज़ाइन में चेंजमेंट मैंने किया है। तो अब इसका हम ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाते हैं, इससे प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाए। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। जब आप सबसे नीचे वाला फ्लोर देखेंगे ना, तो यहाँ से आपकी स्लोप मैंने दी है, यहाँ से आप अपनी गाड़ी पार करेंगे। ये बारंदे का डिज़ाइन है, चार पिलर हैं जिस पर आपका बरंदा पोल टिका हुआ है। ये मेन डोर है जहाँ से आपकी एंट्री होगी, और लेफ्ट और राइट साइड आपके दोस्तों बेडरूम है। इस वजह से देखिए कि विंडो वगैरह मैंने दी है। तो टॉप से मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी सब कुछ पूरा अभी आप डिफाइन करने वाले कहाँ पर क्या बना हुआ है। तो मेन तो एंट्री आपकी ये है, यहाँ से आप जैसे मेन डोर से एंट्री करते हो सबसे पहले आपको बारंदा देखने को मिलता है। ये बारंदा है और बारंदे साइड में आपकी स्टेयर्स निकली। स्टेयर से पहले इधर चढ़ेंगे, फिर टर्न होंगे, फिर वापस आप अंदर की तरफ आ जाएंगे, तो ये आपकी स्टेयर्स होगी। अब मेन दरवाज़ा ये है। अब इस बारंदे की साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ वगैरह सब ऑलरेडी मैंने बनाकर उनको दे दिया है। अगर आप भी ऐसे घर के नक्शे चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारा व्हाट्सएप नंबर का, या स्क्रीन पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा। तो जैसे आप इसे टॉप से देखेंगे, अब देखिए मेन डोर से हम एंट्री कर दे, जैसे एंट्री कर दे तो सबसे पहले आपको देखिए दो बेडरूम मिलते हैं, एक राइट हैंड में एक लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में जाने के लिए इधर से मैंने डोर दिया तो आप इस वाले बेडरूम को एक्सेस कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड में इधर एक्सेस करेंगे और इधर जाएंगे तो आपको ये बेडरूम मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अभी बीच वाले पोर्शन को हम आपको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पीछे वाले कॉर्नर पर दो आम जो कॉर्नर हैं, जब इस गैलरी से आप जाएंगे तो सबसे पीछे देखिए ये दो बेडरूम, इस कॉर्नर पर एक है और इस कॉर्नर पर है। अब चार भाई हैं दोस्तों जिनका ये प्लान है, उन्होंने मैं कॉन्टेक्ट किया था, तो उनके वो चाहते हैं कि उन्हें एक एक बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर और लेट बाथ और किचन वगैरह सब मिल जाए। तो देखिए चार तो बेडरूम है, चारों कॉर्नर पर बेडरूम हो गए, दो आगे हो गए, दो सबसे पीछे हो गए। अब बात करते हैं, जैसे आप गैलरी से आगे जाएंगे तो ये देखिएगा जो बीचों सेंटर है, यहाँ से आपकी अब सभी जगह एंट्री होगी। पहले हम राइट हैंड डिफाइन कर लेते हैं। तो राइट हैंड में देखिएगा ये वाला जो पोर्शन आपको पीछे दो पार्टीशन दिख रहे हैं, तो ये लेट एंड बाथ हैं। तो पहले वाले बेडरूम के लिए ये लेट एंड बाथ और ये किचन, ये पोर्शन पूरा आपका एक कंप्लीट हो गया एक भाई का, है ना। सबसे पीछे की बात करें तो ये एक बेडरूम, ये लेट बाथ, ये किचन दूसरे भाई के लिए कंप्लीट हो गया। अब लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो तीसरी भाई के लिए ये वाला बेडरूम और ये लेट एंड बाथ, ये आपका किचन। अब चौथे भाई की बात करते हैं तो ये वाला आपका बेडरूम, ये लेट बाथ और ये आपका किचन। और ये बीच में मैंने एक पूजा घर जो कि कंबाइंड सभी लोगों के लिए बना दिया है। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सबसे पीछे दो बेडरूम आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि कॉर्नर पर, सबसे कॉर्नर पर है और सबसे आगे। तो ये चार बेडरूम, मतलब एक एक बेडरूम एक भाई के हिस्से में आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इधर ये देखिएगा कि लेट बाथ सबसे पीछे, ये किचन, ये लेट बाथ, ये किचन, ये लेट बाथ, ये किचन, ये लेट बाथ, ये किचन। चार लेट बाथ और चार किचन ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए हैं, तो सभी के हिस्से में एक एक डिवाइड हो रहा है। आप कहीं से भी इसका पार्टीशन कर सकते हैं। अगर इधर से करेंगे पार्टीशन तो आगे वाले
दो भाई हैं उनके लिए लेट बाथ किचन हो जाएगा, और इधर से पार्टीशन पीछे वालों के लिए भी दो हो जाएगा, और ये मेन मंदिर है तो ये एक बेहतरीन से ग्राउंड फ्लोर दोस्तों बनकर रेडी हुआ है, जिसमें एक बेडरूम और एक लेट बाथ प्रत्येक भाई के लिए और एक किचन प्रत्येक भाई के हिस्से में आ रहा है। ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी, बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, आपको सारी चीज़ें और मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे, देखिए जीने के माध्यम से आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे तो बारंदे में ही आपकी एंट्री होगी, आपके और इधर उधर कहीं एंट्री नहीं होने वाली है। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचते हैं तो बारंदे पर आप पहुँचेंगे, देखिए बारंदे से क्योंकि आपका स्टेयर्स था तो यहाँ पर पहुँचेंगे। आगे मैंने एक बालकनी भी निकाल दी है जिसका डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, ये मैंने इसमें ग्रिल वगैरह प्रॉपर लगा रखी है, और बारंदे जैसे नीचे था वैसा सेम ऊपर है। अब ऊपर मैंने क्या कर दिया है, आगे वाले बेडरूम दोनों सेम है, पीछे वाले भी दोनों सेम है, और पूजा घर बीच में, तो बीच वाला पोर्शन था लेट बाथ और किचन, उन सभी को कंबाइन कर करके चार बेडरूम और बना दिए हैं। देख सकते हैं ये चार बेडरूम जिसमें मैंने विंडो बीच में दे रखी है, देख सकते हैं ये दो बेडरूम इधर बढ़ गए, दो इधर बढ़ गए। तो ऐसे ऊपर की बात करें तो आठ बेडरूम टोटल बने हुए हैं 32x60 फिट में, आठ बेडरूम देख सकते हैं, चार एक साइड है ना। तो ये इस प्रकार ग्राउंड फ्लोर पर तो प्रत्येक भाई के लिए एक बेडरूम, एक किचन, एक लेट बाथ हो जाएगा। ऊपर अगर जैसे वो बंदे आएंगे, मतलब जो उनके भाई लोग हैं जो आएंगे, तो उनके लिए दो दो बेडरूम फिर से हो जाएंगे। तो ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए तीन बेडरूम, लेट बाथ, किचन और स्टेयर्स, पूजा घर, कंबाइंड, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फ्रंट से कोई भी व्यक्ति देखेगा ना तो सिमिलर मकान दिखेगा, उन्हें कोई भी पार्टीशन नहीं दिखेगी, अंदर कौन रह रहा कौन नहीं रह रहा। तो अगर आप ऐसे घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करिएगा एक बार ज़रूर, जिसमें आपको बेहतरीन सा मॉडल डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा डिज़ाइन था, और फ्रंट का लुक देखिएगा, ऐसा आपका फ्रंट का लुक होने वाला है ना। मैं और जूम कर देता हूँ, तो जिनका भी ये मॉडल है वो अगर उनका थोड़ा सा मेरे चैट हुई थी WhatsApp पर, तो वो कह रहे थे कोई चेंजमेंट मुझे कराना है, तो अगर आप कराना चाहते तो करा लें, हालाँकि बेस्ट प्लान मैंने देने की कोशिश की, आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बात करते हैं, तो ये दोस्तों इसका लास्ट फ्लोर जिसमें 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल और स्टेयर्स जो कि बारंदे में, तो उसको ढकने के लिए गुमटी बना दी, और ये आपका एक डोर है जिससे अब आपकी पूरी ऊपर छत जो कि सेपरेट होगी, फ्रंट का बेहतरीन सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन सा मॉडल 32x60 में चार भाइयों के लिए बनकर रेडी हुआ है। अगर आप भी ऐसा मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमारी वेबसाइट पर जाकर के और भी बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल होने देख लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल्स वगैरह पर मिलते रहते हैं। थैंक्स वॉचिंग।